खबर रीवा जिले से है, जहां विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा निगम अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस पर नगर निगम के MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने सवाल खड़ा किया है और इसे असंवैधानिक बताया है। MIC सदस्य ने बैठक में नगर निगम कमिश्नर के शामिल होने को भी आड़े हाथों लिया। इस बाबत श्री सिंह ने कमिश्नर को पत्र भी लिखा है और आगे से इस तरह की बैठकों में नगर निगम आयुक्त ना शामिल हो हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, कमिश्नर और उनके अधीनस्थ अन्य निगम अधिकारियों के शामिल होने को भी अनुचित बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के महापौर हजम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा नगर निगम के कार्य में दखलंदाजी की जा रही है। MIC सदस्य श्री सिंह ने कहा कि विधायक को नगर निगम अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। नगर निगम में जनता द्वारा चुनी गई बॉडी काम कर रही है। किसी भी इलेक्टेड बॉडी में हस्तक्षेप करने का विधायक राजेंद्र शुक्ला को कोई अधिकार नहीं है। वह विधायक हैसियत से परिषद की बैठक में शामिल हो सकते हैं, किंतु इसके लिए उनके द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। MIC सदस्य ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र शुक्ला ने नगर निगम को विधायक निधि से कोई भी धनराशि आज तक उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि उल्टा दोहन किया है। MIC सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम की बेशकीमती जमीन, जो पुराना ऑफिस है, बिना किसी कीमत किराए से उनकी पूर्व MIC महापौर और परिषद ने इको पार्क को दे दी, जिससे नगर को नुकसान हुआ। श्री सिंह ने कहा कि महापौर अजय मिश्रा के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से राजेंद्र शुक्ला विचलित होकर गैर कानूनी रूप से मीटिंग बुलाई है। आइए आपको सुनाते हैं, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से चर्चा करते हुए क्या कहा है। विगत दिन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने एक बैठक ली थी नगर निगम में, आपने कुछ आपत्ति की है, क्या मामला है, क्या किस तरह से मानते हैं कि वो दखलंदाजी कर रहे हैं विभाग? सबसे पहली बात तो जनता ने जो 23 साल बाद रीवा महापौर माननीय अजय मिश्रा बाबा जी, उनकी MIC जो चुनी गई जनता द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों चाहे उनका शासन हो, महापौर को और उनके MIC को पचा ही नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिनका भूमि पूजन हो रहे हैं, वो सही नियम और सही ढंग से विकास कार्य, भूमि पूजन और विकास कार्य शहर में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय राजेंद्र शुक्ला जो बोलते थे कि हमने बहुत विकास किया, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी एक वार्ड को ले लीजिए और उस वार्ड को देखिए। विकास उसे कहा जाता है जो वार्ड के अंतिम छोर, अंतिम कोने से चालू होकर मेन रोड में है, उसे विकास कहा जाता है। लेकिन माननीय राजेंद्र सिंह शुक्ला द्वारा खाली विकास हुआ तो रताहरा से लेकर चौराहा तक का विकास हुआ, बाकी किसी वार्ड में 45 वार्डों में कोई विकास नहीं किया गया। जो कल माननीय राजेंद्र शुक्ला द्वारा नगर निगम निर्माण समिति की मीटिंग बुलाई गई, हमारे नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत विधायक का कहीं पे कोई उल्लेख ही नहीं है कि माननीय विधायक नगर निगम में मीटिंग लें, क्योंकि जनता द्वारा इलेक्टेड बॉडी महापौर और पार्षदों को चुना गया है, तो उनका मीटिंग लेना कोई उचित नहीं है। वो मीटिंग असंवैधानिक है, वो मीटिंग लेने का कोई पात्र नहीं है। वो मीटिंग कब ले सकते हैं? जब नगर निगम में, नगरीय निकाय क्षेत्र में जब प्रशासक हो, प्रशासक जब नियुक्त होता है तब विधायक और सांसद को पावर होता है कि नगर निगम में हस्तक्षेप करें। लेकिन जब जनता द्वारा इलेक्टेड बॉडी चुनी गई है तब माननीय विधायक जी को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। क्या लगता है कि विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने नगर निगम कुछ अभी दिया भी है कि नगर निगम की जो ज़मीनें थी, जिस तरह से बिल्डर को दी गई, उपयोग करते रहे, विकास अपना बताते रहे, तो कुछ दिया भी है कि अभी तक क्या आया? अभी आप लोग भी 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, 15 साल माननीय राजेंद्र शुक्ला फुल मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे और अन्य मंत्री थे। राजेंद्र शुक्ला ने एक नगर निगम को एक फूटी कौड़ी का अंशदान अपने विधायक निधि से नहीं दिया, बल्कि उनकी MIC परिषद और माननीय राजेंद्र शुक्ला विधायक रहते हुए रीवा नगर निगम की संपत्ति को कौड़ियों के दाम पे बेच दिया। यहीं वर्तमान जगह में आप इको पार्क देखिए, नगर निगम की प्रॉपर्टी है जिन्हें कौड़ियों के दाम में राजेंद्र शुक्ला ने बेच दिया। उस श्रेय ले रहे हैं कि हमने विकास किया, तो जब आपने नगर निगम में कोई अंशदान ही नहीं किया तो मैं कैसे मानूं कि आप नगर निगम में, शहर में विकास कर रहे हैं?
रीवा नगर निगम, रीवा विधानसभा, लगभग कुछ गांव ऐसे हैं, पंचायतें हैं जो कि अलग हैं, उस हैसियत से भी वो आते हैं। क्या लगता है कि अभी आदतें, जैसे नगर निगम में कांग्रेस की जो महापौर जीते, लगता है कि आधार जनाधार कुछ खिसका खतरा महसूस हो रहा है विधानसभा सीट 2023 के लिए, तो जबरदस्ती दखलंदाजी की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि अभी भी हमारा वैसे ही वर्चस्व है, हम हैं? कांग्रेस पार्टी कभी दिखावे में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी, जमीन से बरकर के लेकर एक पार्टी है जो जमीन से लेकर काम करती है। माननीय महापौर जब हमारे महापौर बने, तब उन्होंने जो पहले पूर्व के भांति भाजपा की जो कल्चर में था कि बड़े बड़े पंडाल लगा के, बड़े बड़े सम्मेलन करके, हम चाहे 2 लाख का हो चाहे 2 करोड़ का हो, भूमि पूजन बिना पंडाल के और बिना पब्लिक के माध्यम से भूमि पूजन नहीं करते थे। जब से हमारे महापौर अजय मिश्रा बाबा बने जी ने बना, तो मात्र 25 रुपये के नारियल से हम लोगों ने भूमि पूजन की शुरुआत की। वो 25 रुपये का नारियल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। उनका नारियल फोड़ने का जो अपने गाड़ी में तरफ कैंची और दूसरे तरफ नारियल लेके जो घूमा करते थे, जहां मौका मिले वहीं फीता काट दें, जहां मौका मिले वहीं नारियल फोड़ दें, ये जो ये उनके आदत से, उनके अभी आदत से छूट नहीं रहा है। इसलिए वो हमारा आए दिन, हमारे विकास कार्य में आए दिन रुकावट को पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से विधायक जी बैठा कर बैठक ले लेते हैं कलेक्टर को, कमिश्नर को बुलाकर, अगर इसी तरह से सभी विधायक चाहे लगे और कमिश्नरी बस संभाग में तो 25-26 विधायक है, और सभी अगर कह दिए कि हम भी बैठक लेंगे, हम भी बुलाएंगे, तो कहाँ कलेक्टर पहुँचे, कहाँ कमिश्नर पहुँचे, कहाँ डीन पहुँचेंगे? तो ये इसके पीछे क्या लगता है, किस तरह से दिखावटी काम चल रहा है, कि कुछ है उसमें निर्णय लिए जाते हैं, आए दिन वही काम का, भूमि पूजन फिर वही, लोकार्पण हुई एक मशीन, तो क्या खतरा महसूस हो रहा है क्या रीवा में कांग्रेस से भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे रीवा के 8 विधायक हों, चाहे सांसद हों, वो ये जान गए हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2023 में हमारे कांग्रेस के 8 विधायक जीतेंगे। इस भय से वो आए दिन बिना असंवैधानिक मीटिंग लेके कलेक्टर को, कमिश्नर को, नगर निगम को समय बर्बाद करने के अलावा बाकी दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब हमारी सरकार लौटने वाली नहीं है, न मैं चुनाव जीतने वाला। सुबह घूमने निकलते हैं तो कलेक्टर साहब पीछे जा रहे हैं, कमिश्नर साहब जा रहे हैं, हो सकता है कि अब महापौर आपके हैं तो ना जा पा रहे हो, इसके कारण से भी दबाव बनाने के लिए हो सकता है क्या कि बैठक बुलाई गई? कलेक्टर चूँकि उन्हीं का है तो कलेक्टर उनके माध्यम से ही काम कर रहे हैं। नगर निगम में चूँकि महापौर की बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, तो महापौर में मेरा हस्तक्षेप करना, हमारे महापौर जी का हस्तक्षेप करना वाजिब है। हम लोग रीवा नगर निगम में चाह रहे हैं कि कमिश्नर ऐसी कोई दोबारा मीटिंग और मीटिंग में ना जाएं और ना इस तरह के मीटिंग में वो भाग लें। अगर ऐसा होता है, अभी आपने आपकी MIC ने अध्यक्ष की वाहन उपलब्ध कराने को लेकर विरोध किया, इस तरह से भी अपने विरोध किया, पहले भी लोकार्पण में फीता काटने पर खर्च पर रोक लगाने का की बात की, तो और कुछ ऐसा निर्णय लेने वाले हैं क्या? निर्णय हमारे पास, हमारी महापौर है, MIC है, अगर भविष्य में ऐसा कुछ नगर निगम के आयुक्त के द्वारा ऐसा कुछ काम किया जा रहा है तो हमारी MIC कड़ा से कड़ा निर्णय उस पर लेगी।